हेलो मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है यार तुम लोगों के। आज हम खेलने वाले हैं भाई, दोबारा अपना करियर मोड कंटिन्यू करेंगे जहां हमने पहले छोड़ा था पिछले मैच के बाद। भाई आज मेरे को बना दिया अलवा टीम का कैप्टन, और भाई राजस्थान की तरफ से हमको डेब्यू भी करने को मिल गया है गोवा के खिलाफ। तो भाई देखते हैं आज कैसा हमारी परफॉर्मेंस रहेगी मैच के लिए, और यहाँ पर कैच आउट ना हो जाए यार। चलो पहली बाउंड्री भी मिल जाएगी हमको हमारी बैटिंग की। बाकी भाई 8 रन पर ही पहला विकेट गिर गया था, मेरी बैटिंग बहुत जल्दी आ गई। वन डाउन आता हूँ मैं अपनी टीम की तरफ से, शॉर्ट पिच बॉल डालिए, कवर ड्राइव खेलिए, एक शायद चौका मिल जाएगा हमको यहाँ पे। 2 रन तो ले लिए, फील्डर आ जाएगा, तब तक बहुत बहुत स्लो पिच है यार, बहुत ज़्यादा, मतलब रन कम ही लगेंगे इस वाली पिच पे आज। बाकी 4 रन चलो भाग के ही ले लिए, मिलने तब भी 4 थे। और भाई तुम में से जो जो चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और एक भाई कमेंट छोड़ देना मेरे लिए। 19 रन पे एक विकेट है भाई, 5 ओवर हो चुके हैं, और ट्राई करेंगे कि 200-250 रन तो बने। और भाई यहाँ पे भी कट के ऊपर से मारा है, 4 रन मिल जाएंगे हमको यहाँ पे भी। बाकी भाई रन रेट तो हमारी टीम का ठीक ठीक ही चल रहा है, 14 रन पे खेल रहा हूँ अभी मैं। और यहाँ पे भी हमको एक चौका मिल जाएगा, बहुत बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव, 4 रन मिल जाएंगे तुम्हारे भाई को। और भाई रन रेट बढ़ चुका है, 4.5 का रन रेट हो गया है। शॉर्ट पिच बॉल डालिए एक और, और भाई फील्डिंग सिंगल ले लेता है यहाँ पे, सिंगल पहुँच गए, मेरे को लगा यार रन आउट हो जाएगा। 138 की लीड पे अभी हमारी टीम, और दोबारा एक शॉर्ट पिच बॉल, और यहाँ पे दोबारा एक स्ट्रेट ड्राइव खेलिए, और शायद यहाँ पे भी 4 रन मिल ही जाएंगे हमको। बाकी भाई फिल्टर आ गया, 3 रन भागने की कोशिश कर रहा हूँ, 3 रन तो ले ही लेंगे, चौथा हो नहीं पाएगा इस बार, पिछली बार तो चलो भाग के 4 रन कंप्लीट कर ही लिया था हमने। 37 पे एक विकेट, और भाई 54 ओवर बच रहा है आज के मैच में। डिफेंस करता हूँ ये वाली बोलता है, क्योंकि एच लगने का ज़्यादा चांस होता है, 3 स्लिप पहले ही खड़ी हैं, और शायद यहाँ पे चौका मिल जाएगा हमको कवर में, क्योंकि पीछे फील्डर है ही नहीं, और टाइमिंग भी अच्छी हुई थी इस वाली शॉट की। 27 रन पे खेल रहा हूँ मैं, शॉर्ट पिच बॉल आई है एक और। और भाई बाहर की बॉल तो खेलना मतलब रिस्की है, क्योंकि 3-3 स्लिप खड़े हैं, विकेट कीपर इस साइड खड़ा है, तो थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए डिफेंस करना ज़रूरी है। रन रेट हमारा कम हो गया, दोबारा 4 का रन रेट हो गया, शॉर्ट पिच बॉल आई, और भाई यहाँ पे एक और 6 रन के लिए जाएगी बॉल। बढ़िया हो रही है अभी तक तुम्हारे भाई की बैटिंग, 151 की लीड हो गई, चलो ठीक है। इस ओवर में 6 रन आ चुके हैं, दोबारा कवर ड्राइव खेल रही है एक, और यहाँ पे दोबारा चौका मिल जाए तो 10 रन आ जाएंगे इस ओवर में, और चौका मिल भी गया, अच्छी बात है अपनी टीम के लिए, अच्छी बात है उनकी टीम के लिए, तो थोड़ी नाराजगी रहेगी भाई बॉलर से। 12 रन आ गया इस ओवर में अभी तक, और भाई एक दोबारा स्ट्रेट में मारा है, 6 रन मिल गया भाई इस पर भी, 18 रन टेस्ट मैच में, नाइस। 44 रन पर खेल रहा हूँ भाई भाई मैं, और सारे फील्डर इनने क्लोज कर लिए हैं। बाकी भाई फील्डिंग, ये फील्डिंग अच्छी थी, बस इस चीज़ का डर रहता है यार बाहर की बॉल पकड़ने में, कि कैच आउट वगैरह का चांस ज़्यादा रहता है। 45 पे खेल रहा हूँ अभी मैं, 63 पे 2 विकेट है भाई हमारी टीम के, और गैप के बीच में से मार दिया भाई तुम्हारे भाई ने, यहाँ पे भी 4 रन मिल जाएंगे हमको। 177 की लीड है, शॉर्ट पिच बॉल आई एक, ओ ये बॉल भाई बढ़िया थी, एच लगा था बैट का, मगर तब भी 4 रन मिल गए, और यहाँ पे हमने 53 बना लिया, 50 भी कंप्लीट हो गई हमारी। शॉर्ट पिच बॉल भाई, दोबारा एक कैच आउट हो सकता हूँ इस बॉल पे, चलो नहीं हुआ, अच्छी बात है, 4 रन मिल जाएंगे यार यहाँ पे भी। बाकी भाई स्पीड वगैरह मतलब स्लो पिच है, बॉल धीरे आ रही है, शॉट वगैरह लग नहीं रहा टाइम। अरे भाई ये वाली बॉल, फील्डर थोड़ा और आगे खड़ा होता ना तो ये कैच आउट था। मैं 189 की लीड है यार, शॉर्ट पिच बॉल भाई, एक और चौका मिल जाएगा कट मार के, फील्डर्स के बीच में से 4 रन मिल गए, बेहतरीन। 62 रन पे आ चुका हूँ, चलो बैटिंग तो आज बहुत बढ़िया हुई है, डेब्यू मैच में ऐसी बैटिंग होगी और क्या चाहिए। दोबारा चौका मिल जाएगा भाई, फील्डर के मिसफील्ड अगर रोक लेता तो एक भी रन नहीं बनता, और भाई 50 पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी है हमारी टीम की। 67 पे खेल रहा हूँ भाई, 40 बॉल में, आज तो इंग्लैंड वाला टेस्ट मैच खेल लिया मैंने। बाकी भाई ये कैच आउट हो सकता हूँ मैं, चलो दूर गिरी, अरे ऐसा लग रहा था देखने में कि यहीं पास में ही गिरी है, एक सिंगल तो निकाल ही लूँ, बच गए भाई इस वाली बॉल पे। तो स्पिनर के साथ थोड़ी दिक्कत होती है यार ऐसी पिच पे, क्योंकि टर्न वगैरह और बॉल की स्पीड इतनी अच्छी रहती नहीं। रिवर्स स्वीप मारा और यहाँ पे भी 4 रन मिल जाएंगे, ऐसे शॉट खेलना ठीक है यार, क्योंकि पीछे ज़्यादा फील्डर रहते नहीं है टेस्ट मैच में, मगर रिस्क रहता है कैच वगैरह का, और भाई बोलने की देरी थी और कैच छूट गया। 72 रन पर खेल रहा हूँ अभी मैं, शॉर्ट पिच बॉल आई है, यहाँ पर भी कैच हो सकता है भाई, चलो चौका मिल जाएगा, चांसेस तो बहुत बने यार इनके कैच के लिए, मतलब अगर ये वनडे होता ना इस पिच पे तो अभी तक मैं 4 बार आउट था भाई। फुल लेंथ बॉल डालिए, यहाँ पे डबल लेने की कोशिश करूँगा,
फील्डर के हाथ में आया तो बोल दो रन ले ही लिए, वैसे पहुंच जाऊं तो बढ़िया है। पहुंच गया 79 भाई, आज तो सेंचुरी बना के रहनी है, कोई बात नहीं। दोबारा एक और भाई स्ट्रेट ड्राइव लगाई है और भाई फील्डर नीचे ही है बोल के। अबे यार ये कैसा कैच पकड़ लिया उल्टा भागते भागते। नहीं यार ये कैच गलत पकड़ा है यार, मतलब उल्टा भागते भागते कौन कैच पकड़ता है। बे भाई 79 रन बना के आउट हो गया यार हम, 13 चौके और 2 छक्के। बाकी देखते भाई हमारी टीम कितने रन बनाएगी, टीम ने भाई पता ही नहीं कितने रन बनाए। स्किप हो गया, डायरेक्ट ओवर आ गया मेरा भाई। तीसरी बॉल, चलो बॉलिंग में देखते हैं, विकेट ले ले तो बढ़िया है, एक बेहतरीन ऑलराउंडर की तरह उभरेंगे वरना टीम से। अभी तक तो 4 बॉल डॉट बॉल गई है, ये बढ़िया बात है हमारे लिए भाई। 444 का टारगेट है इनके लिए, एक विकेट गिर चुका है इनका। मेरे ख्याल से तो भाई मुश्किल है, बहुत मुश्किल है यार, 444 नहीं बनेंगे इनसे। बाकी भाई कुछ नहीं पता, टीम अच्छी है, गोवा की भी प्लेयर सही है। 5 बॉल दौड़ गई यार पहले ओवर की, और पहले ओवर गया हमारा मेड इन ओवर। एक ओवर में अभी तक 0 रन। अरे यार ये बॉल अच्छी थी, शॉर्ट पिच बॉल भाई, एक क्या ही उम्मीद करेंगे यार इस बॉल से। चौका तो भाई, बाउंड्री तो बनती है ऐसी बॉलों पे, बॉल ही बेकार डाली है मैंने ये वाली। ऐसी बॉलों से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वैसे भाई कटर वगैरह अच्छी जा रही है इस वाली पिच पे, स्विंग इतनी है नहीं मगर कटर्स बहुत अच्छी जा रही हैं। लेग कटर, ऑफ कटर तो भाई मज़े आ रहे बॉल डालने में। एक बाउंसर मार के देखते हैं इनको, बाउंसर तो डक कर रहे हैं यार सीधे। शॉर्ट वॉट खेले, एल्ज वेज लगाओ यार, विकेट दिलवाओ। 8 रन दिए, तीसरा ओवर चल रहा है। अबे यार विकेट नहीं मिल रहा, 72 रन पे 2 विकेट है, चलो ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से तो इनसे नहीं बनने वाले यार 444 रन, बहुत ज़्यादा रन है यार, बड़ी बड़ी टीमों से नहीं बनते। बाकी भाई अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो एक बार लाइक कर देना वीडियो को, और यहाँ पे शायद 4 रन मिल जाएंगे। अबे यहीं पड़ी है क्या बोल, शिट मेरे को बॉल ही नहीं दिखी, वो तो मेरा फील्डर भागा तब पता चला। लास्ट बॉल भाई तीसरे ओवर, ओ ये बॉल बढ़िया थी यार, 3 ओवर के बाद 8 रन, बढ़िया। ये बाउंड्री जाएगी क्या, फील्डर पहुंचा ही नहीं यार, 4 रन खाली है पहली बॉल पे इस ओवर की। अगली 2 बॉल हमारी दोबारा खाली गई, बढ़िया है, खाली निकलता रहे तो मज़ेदार है भाई। 5वां ओवर चल रहा है और भाई 15 रन दे चुका हूँ मैं अभी तक अपने स्पेल में, विकेट एक भी नहीं लिया, ये हमारे लिए थोड़ी दुखी बात है। देखते अगला ओवर अब कब आएगा, इसके बाद 16 रन दे चुका हूँ। लास्ट बॉल भाई 5वें ओवर की, चलो 16 रन दिए हैं बस, ठीक है, अच्छी बात है। 5 ओवर में 16 इकोनॉमी ठीक है, 3 की इकोनॉमी मान लो एक तरीके से। और भाई इनका तो विकेट, भाई बॉलिंग पकड़ा दो मेरे को भी। अरे भाई 285 पे ऑल आउट, मैंने बोल था ना 444 नहीं बनेंगे। बाकी भाई ये मैच ख़त्म करते हैं, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना सभी भाइयों, बाय।